उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू चंदा किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट एक्लेयर, जिसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने लिया है 1/4 कप कोको पाउडर। 1/4 कप मींस 4 टेबलस्पून। 1/4 कप जो है मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। ये 3/4 कप शुगर है मेरे पास। 1/2 कप दूध है। 1 अंडा है। 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर के लिए आप ये करें कि घर में 1 कप चीनी को ग्राइंड कर लें और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर डाल के उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके रखें। और ये मैंने 2 बिस्किट्स लिए हैं, उनको मैंने नॉर्मल चूरा कर लिया है और साथ में मेरे पास इसमें जाएगा 3 कप दूध। ये देखें, मैंने अपने पैन में मैं 3 कप जो है वो मिल्क ले रही हूँ, और 3 कप आप कोई भी दूध ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर उबलने के लिए रखूँगी। थ्री कप जो है वो नाप के डालिएगा, ये ना हो कि आप ज़्यादा डाल दें और वो फिर पतला हो जाए। तो मैंने ये 3 कप जो है बिल्कुल नाप के डाला है। एक्सपेरेट आपको कंफ्यूज मत कीजिएगा, या तो आप टी कप लीजिएगा या ये मजरिंग कप लीजिएगा। बड़ा वाला मग्गा नहीं ले लेना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बॉयल होने के लिए इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और करूँगी, मैंने कॉर्नफ्लोर डाला। इस कॉर्नफ्लोर के अंदर ना मैंने 1 चम्मच नमक, सॉरी 1 चुटकी नमक डाल लिया था, डाल दिया। इसी में मैं डालूंगी कोको पाउडर भी अपना, मैं ये कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर जो है मेरी, 1 अंडा, 1/2 कप दूध डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के इसमें कोई लम्स ना रहे। ये जो मेरी दूध है ये हल्का सा जो है वो गर्म हो गया, उसमें मैं चीनी फेंक दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब आपने चम्मच नहीं छोड़ना ताकि चीनी जो है वो नीचे ना लग जाए। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया अपना, और इसको अब मैं जब दूध मेरा उबल जाएगा उसके अंदर डालूँगी। इसमें आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स ना बने आपके, तो मेक श्योर कि कोई लम्स ना हो इसमें। दूध उबलना स्टार्ट हो गया, अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी और अपना ये जो मिक्सचर मैंने बनाया था ये डालूँगी। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा डालूँगी और साथ में मिक्स करती रहूँगी। अभी भी आपने अपना जो है ये हाथ और चम्मच बिल्कुल ही रोकना कि इसके अंदर लम्स ना बन जाए और अच्छे तरीके से ही मिक्स हो जाए। इसको चूल्हे से उतार के हम इसे डाल रहे हैं क्योंकि अंडा है, तो अगर चूल्हे पर रहेगा तो वो आधा पक जाएगा और आधा जो है वो कच्चा रहेगा, तो वो अजीब सा हमारे पास आएगा। तो इसलिए हमने इसको चूल्हे से उतार के ही रखेंगे मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसे चूल्हे पर, मेरा सारा है हो गया है, अब मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी। दोबारा वापस चूल्हे पर रख दिया है, और अब इसके अंदर मैं वेव्स जो है वह हिलाती रहूँगी और आग अपनी थोड़ी सी और तेज़ कर दूँगी, और इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अच्छे तरीके से मैं इसे गाढ़ा करूँगी। हमने इसे इसलिए पकाना है क्योंकि इसमें हमने एक अंडा डाला था और साथ में हमने कॉर्नफ्लोर डाला था, तो वो कॉर्नफ्लोर और अंडे का जो कचाहट का टेस्ट है वो सारा अच्छे तरीके से पक जाए, इसलिए हम इसे पकाएंगे। ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, ये मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये है, लेकिन अभी मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। इस पर चूल्हे से उतार लूँगी क्योंकि ये ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा नॉर्मल करके रूम टेम्परेचर पर फिर मैं आपको इसकी लेयर्स लगाना। तकरीबन 1 कप हमारी व्हिप क्रीम ली है, और इसको मैं बीट करूँगी अच्छे तरीके से, और साथ साथ में इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने अभी इसमें 1 चम्मच डाली है, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी और भी डालूँगी ताकि ये बिल्कुल फीकी होती है, इसमें मीठा स्वीट करने के लिए हम इसमें डालेंगे। बीट करने के बाद मैं 1 चम्मच और डालूंगी आइसिंग शुगर, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने और डाल दिया, और इसको अब अच्छे तरीके से बीट करूंगी कि इसकी जो फॉर्म है वो अच्छे। ये मेरी अच्छे से बीट हो गई है क्रीम, ये देखें ये गिर नहीं रही बिल्कुल भी, ये अच्छे तरीके से व्हिप क्रीम हो गई है बीट। अब मैं आपको लेयर्स लगाना बताऊँगी।
सबसे पहले क्या करूँगी, नीचे जो मैंने चूरा किया था बिस्किट की लेयर लगाऊंगी। इस लेयर के बाद मैं डालूंगी अपना तो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो। इसके बाद मैं डालूंगी व्हिप क्रीम। स्प्रेड कर लूंगी। बाद में दोबारा बिस्किट की लेयर लगाऊंगी, फिर कस्टर्ड की लगाऊंगी। और इसके बाद मैं आपको ना ऊपर ड्रिजल करके दिखाऊंगी थोड़ी सी अपनी जो मैंने चॉकलेट सॉस बनाई थी। अब आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखें जी, ये मेरी चॉकलेट क्लेयर्स तैयार है। इसको आपने मैक्सिमम फ्रीजर में 5 to 6 hours चिल करके खाना है।